आपने रवा दोसा की बहुत सारी रेसिपीज देख रखी होगी, लेकिन जो रेसिपी मैं आज बताने जा रहा हूँ वो है बिल्कुल क्लासिक ऑथेंटिक रेसिपी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं शैबूफी स्वागत करता हूँ ऑर्निस किचन में आपका। बहुत ही सिंपल बैटर है इसका। सबसे पहले हमको लेनी है सूजी, सूजी नॉर्मल सूजी, चाहे मोटी हो चाहे बारीक हो, कोई सी भी। और यहाँ पे हमने डाली ग्रीन चिल्ली स्पाइसनेस के लिए, और यहाँ पे डाले हैं चॉप प्याज। अगर आप प्याज स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने डाली है कैबेज, कैबेज ऑप्शनल है, इसकी जगह आप गाजर भी डाल सकते हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं। और ये थोड़ी सी जीरा हमने यहाँ पर डाली है, भुनी नहीं हुई कच्ची जीरा है। और ये जिंजर चली गई चॉप। अब हम इसमें डाल रहे हैं डोसे का बैटर जो पहले से तैयार था। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी बना रखी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैं दे दूंगा। कोई लोग इसके अंदर मैदा डालते हैं, कोई इसके अंदर चावल का आटा डालता है, लेकिन कुछ नहीं डालना है, इसमें डालना है डोसे का बैटर। इस बैटर को देना है सिर्फ 10 मिनट का रेस्ट और ये हो जाएगा रेडी। अब एक पतला सा बैटर तैयार कर लेंगे पानी डाल के। पानी की क्वांटिटी धीरे धीरे करके डालनी है, एक साथ पानी डाल देंगे तो उसमें लम्स आ जाएंगे, इसलिए पहले थोड़ा डालिए, फिर इसको चलाते रहिए विस्कर से, और उसके बाद दोबारा डालिए और उसको चलाते रहिए। इस तरह से उसमें कोई भी गांठें नहीं पड़ने वाली। बैटर बनेगा इसका बिल्कुल पानी की तरह, और ये हो गया बैटर यहाँ पे तैयार। अब सबसे पहले हम सीजनिंग करेंगे तवे की। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑयल डाला। आपको पुरानी वीडियो भी मैंने दिखाया था कि घर पे कैसे बनाते हैं, और आज हम बता रहे हैं कि होटल में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने ग्रीस कर लिया इस हॉट प्लेट को अच्छी तरह से। अब इसमें जाएगा पानी के छींटे। पता है ना आपको कि पानी के छींटे क्यों मारे जाते हैं? टेम्परेचर को सेट करने के लिए और नॉनस्टिक बनाने के लिए तवे को। एक और तरीका है नॉनस्टिक बनाने का। प्याज को आधा काट लीजिए और तवे पे लगा लीजिए तेल और उसको रगड़िए। हम अपने ट्रेनीज को इस तरह से दे देते हैं रगड़ने के लिए, उनसे उनकी डोसा की प्रैक्टिस भी हो जाती है और तवा भी नॉनस्टिक बन जाता है। है ना कितना आसान तरीका नॉनस्टिक बनाने का तवे को। अब बारी आती है डोसा बनाने की। तो सबसे पहले हम ऑयल का यहाँ पे ग्रीसिंग कर लेंगे। अगर रेगुलर डोसा बनाते हैं तो उसमें कभी भी ऑयल नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रवा डोसा लगा रहे हैं इसलिए हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा जीरा डालेंगे। ये ऑप्शनल है इस तरह से डालना, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और इस तरह से छींटे मार के डोसा बनाया जाता है। डोसे के छींटे मारते हुए इस बात का ध्यान रखें कि एक के ऊपर ज़्यादा ओवरलैप ना करे, बस हाँ आपस में जुड़ता हुआ चला जाए, बीच में कोई छेद सा या कोई गैप ना रह जाए। यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल मीडियम है, ना तो हाई है ना ही बिल्कुल लो है। और इस तरह से ये छींटे मार दिए हमने चारों तरफ से, और उसके बाद में ऑयल बटर घी जो भी अवेलेबिलिटी हो इस तरह से ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए। स्लाइसर से दबा के इस बैटर को एक समान कर लेते हैं और इस स्लाइसर से चारों तरफ से कट मार देते हैं, जिससे कि एक चौकोर तरह का हमारा डोसा तैयार हो जाए। अब इसको शेप देने के लिए जो भी एक्स्ट्रा में है उसको हम निकाल देंगे यहाँ पे, और हमारा डोसा कलर देने लग गया है, तवे को छोड़ने लग गया है। अब इसकी बारी आती है टर्न करने की। इतना बड़ा डोसा तो प्लेट में आएगा नहीं, तो अब इसको कर देते हैं फोल्ड, और इस फोल्ड को बोलते हैं बुक फोल्ड। कैसी लगी आपको रवा डोसा की एक ऑथेंटिक रेसिपी? अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और हाँ जो लोग अभी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।